तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हाथ जोड़ करके हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे हम सब के इस YouTube चैनल आओ देखो आल मिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पवित्र गुलर वृक्ष की अद्भुत रहस्यमय कहानी और अत्यंत प्रभावशाली नुस्खे के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इसमें जो पाई जाती है गुड़, उसे स्वयं भगवान विष्णु ने इस वृक्ष को तहे दिल से प्रदान किया है, इसलिए इसकी जानकारी को जो भी सुनता है वह सौभाग्यशाली होता है। आज आप और हम बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं जो इसकी जानकारी को संपूर्ण जान पाएंगे। तो बने रहे बिना स्किप किए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि और लाभ और पुण्य दोनों मिले। दोस्तों, गुलर वृक्ष के चमत्कारी फायदे बताने से पहले मैं आपको इसके पौराणिक कथाओं के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है और सबका भला होता है। तो दोस्तों, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लिया था, तो उन्होंने अपने हाथों के पंजों से हिरण्यकश्यप की छाती चीर करके मौत की घाट उतार दिया था उसे, जिससे उनके हाथ पंजे खून से लथपथ हो गए थे। हिरण्यकश्यप की राक्षसी विषैले खून के चलते नरसिंह भगवान के हाथों में जलन होने लगी, तो उन्होंने इस जलन को मिटाने के लिए गुलर वृक्ष में अपने पंजे गाड़ दिए थे, तो उनका जलन शांत हो गया। लेकिन गुलर वृक्ष जलन के और दर्द के मारे रोने लगा, चिल्लाने लगा, दर्द से कराहने लगा, क्योंकि जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गुलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से कहा, हे भगवान, आपने तो अपनी जलन शांत कर ली, लेकिन मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा क्या होगा, तो मैं कैसे इसे सहन कर सकता हूँ। इस ऐसा कहते हुए भगवान से गुलर वृक्ष ने प्रार्थना किया, तो नरसिंह भगवान बोले, हे वृक्षराज, शांत हो जाओ, कुछ ही क्षणों में तुम्हारा दर्द धरती माता खींच लेगी और तुम जलन और दर्द से मुक्त हो जाओगे। लेकिन मैंने तुम्हें जो तकलीफ दिया है उसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कभी भी किसी पाप के भागीदार नहीं बनोगे, हमेशा पुण्य ही अर्जित करोगे। तुम्हारे वृक्ष में मध्य रात्रि को ही पुष्प आएंगे, उन पुष्पों को जो भी प्राणी देख लेगा या अपने पास रख लेगा वह कुछ ही दिनों में सर्वसंपन्न युक्त हो जाएगा, अर्थात उसकी सभी दुखों का नाश होगा, वह देखते ही देखते धनवान गुणवान व्यक्ति बन जाएगा। और तुम्हारे वृक्ष के नीचे से यदि कोई मृत शरीर का शव लेकर के यदि कोई जाएगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारे अंदर हर प्रकार की विष को नाश करने की क्षमता होगी। तुम हर प्रकार से लोगों की मदद कर पाओगे और हमेशा पुण्य के भागीदार रहोगे। तुम जनकल्याण के लिए फलों फूलों और पृथ्वी में लोगों की मदद करते रहो। इस तरह से नरसिंह भगवान ने गुलर वृक्ष को आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। तब से गुलर वृक्ष की बहुत से औषधियाँ निर्माण किया जाता है, जिनमें से कुछ खास जानकारियाँ आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक के हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो घंटी आता है उसे भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अपनी विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हो सके तो एक आध लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को इस गुलर वृक्ष के अनेकों सेहतमंद फायदे से आपको अवगत कराता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी आँखों की कोई भी समस्या हो, आप इस गुलर वृक्ष के पके फलों को बिना फोड़े ऐसे ही तोड़ करके खा लीजिए। इस तरह से खाने से इसके पके फलों को रतौंधी, मोतियाबिंद, धुंधलापन, आँखों से आंसू निकलना, जाला दिखाई देना, ऐसी कई प्रकार की आँखों की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है दोस्तों। और दोस्तों, अगर किसी को पेट की समस्या है, जैसे पेट दर्द, अफारा, गैस, भूख न लगना, जी मिचलाना, उल्टी, पेचिस इत्यादि सभी प्रकार के पेट रोग को समूल नष्ट कर देता है इसके फलों को सेवन करने से, इसके लिए आप इस गुलर के कच्चे पके फलों को सुखा करके पाउडर बना लीजिए और उसके बाद उसमें सेंधा नमक और अजवाइन मिला करके रख लीजिए। इस चूर्ण को एक एक चम्मच सुबह शाम खाने के बाद खा सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से एक या दो चम्मच। और दोस्तों, अगर किसी ने जहर खा लिया तो आप चिकित्सक के पास जाने से पहले इस गुलर वृक्ष के पत्तों का रस 50 ml की मात्रा में पिला दीजिए, आपको चिकित्सक के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह इतना प्रभावशाली है कि किसी भी जहर को काटने के लिए पर्याप्त है, सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी को
कील मुहासे पिंपल की समस्या है तो आप इसकी गांठ वाले पत्ते को पीस करके चेहरे पर लेप कीजिए। आपका चेहरा कुछ ही दिनों में दाग धब्बों को मिटा करके चमकने लगेगा, दमकने लगेगा। अगर जले कटे का भी निशान पड़ गया है तो उसमें भी यह बहुत अच्छा असर दिखाता है और मिटा देता है इसके निशान को। और दोस्तों, अगर किसी को चोट मोच की दर्द हो रही हो या गठिया साइटिका की कोई भी दर्द हो रहा हो या सूजन होकर के सूज गया हो तो आप इस दर्द वाले स्थान पे गुलर के छाल को कूट पीस करके लेप बना करके उस पीड़ित वाले स्थान पे यदि लेप करते हो तो इससे आपको तुरंत फायदा होगा, राहत मिलेगी। यह बहुत अच्छा प्रयोग है किसी भी प्रकार को दर्द मिटाने के लिए। दोस्तों, यदि आप मर्दाना ताकत से वंचित हो, यदि आपको अपने शरीर की पौरुष तत्व को बढ़ाना है, रति क्रिया की समय को बढ़ाना है या फिर बच्चा पैदा करने के योग्य बनना है तो आप इसके फलों को सुखा करके, कच्चा या पका दोनों चल जाएगा, इसे सुखा करके इसको पाउडर कर लीजिए और इसमें सफ़ेद मूसली पाउडर और अश्वगंधा पाउडर और शतावरी का पाउडर बराबर मात्रा में मिला करके इसको हर दिन सुबह शाम को सोने से पहले और सुबह नाश्ता के बाद इस चूर्ण को आप एक एक चम्मच लिया कीजिए गाय के दूध के साथ या शुद्ध देसी शहद के साथ। देखना, इसके सेवन से आपका शरीर हष्ट पुष्ट बल वीर्यवान चमकदार ताकतवर हो जाएगा और आपकी सारी मर्दाना कमजोरी समाप्त हो जाएगी दोस्त, और आप अपने संतान सुख की प्राप्ति कर पाओगे बहुत जल्द। तो दोस्तों, इस तरह से इस गुलर वृक्ष के और इसके फलों पत्तियों के इसके छाल के बहुत सारे फायदे भरे पड़े हैं ग्रंथों में। इसकी और महत्वपूर्ण जानकारी को मैं उजागर करने के लिए इसके और वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका हर दिन और रात मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।